द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडर गोइंग SHM इज 0.04 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन एट 0.02 मीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो मान लीजिए हमने कोई भी SHM ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल ऑफ SHM लेके आप इस सवाल से करने की कोशिश करिए। जैसे कि हमने पेंडुलम ले लिया, अब पेंडुलम ये है और आपने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, काफ़ी कम, ये एंगल बहुत कम होना चाहिए, एज स्मॉल मतलब आपसे लेस देन 30 रखें तो बेटर होगा, क्योंकि 30 वो स्मॉल एंगल की लिमिट होती है। 30 तक आप साइन थीटा इक्वल टू थीटा ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि साइन पाई बाय 6 रेडियन इज 1/2, और पाई बाय 6 एक नंबर के फॉर्म में भी 1/2 ही आएगा सॉल्व करने पर, सॉल्व करके देखिएगा। तो हम जो SHM पढ़ते हैं ना, वो ये नहीं पढ़ते, वो हम ये पढ़ते हैं, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये जो लेंथ है। तो आप जो एक कर्वी पाथ देख रहे हो, इसको अगर आप एक्स ले रहे थे, इसको एक्स मान लेते क्योंकि आपने एंगल बहुत कम लिया है, तो ये पूरा जो एम्पलीट्यूड है, हम अगर इसको हाईएस्ट पॉइंट मान रहे हैं तो हम उसको ए बता देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, और फिर SHM ये माना जाता है, ये इतना छोटा कर्व है कि स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, तो ये इसके पीछे ही कहानी। तो कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो जब ये लौट के यहाँ पे आता होगा पेंडुलम, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर 0.04 मीटर पर सेकेंड होती है, और इसकी एक्सेलरेशन 0.02 मीटर फ्रॉम मीन पोजिशन, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये डेटा हमको गिवेन है, इससे हमें कुछ एम्पलीट्यूड और पीरियड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है। एक तरीका और होता है SHM को विजुलाइज करने का, वो सर्कल होता है, जैसे पार्टिकल तो ऑसिलेट करता है डायमीटर पे, पर हम एक उसका दूसरा पार्टिकल ये मान के चलते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन वो पार्टिकल बन जाता है। तो मीन पोजीशन कौन सी होती, मीन पोजीशन वह होती है जहाँ पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड होता है आपका जीरो। तो अगर आपका पार्टिकल ये रोटेट यहाँ कर रहा है, तो अभी ये यहाँ पर है, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो एरो यहाँ पहुँच चुका होगा इस तरह, ये इसका एम्पलीट्यूड है, फिर ये मीन पोजीशन है, फिर ये एम्पलीट्यूड है, फिर ये मीन पोजीशन है। तो जब भी एरो इधर होगा, मतलब पार्टिकल यहाँ पर है, क्योंकि इसकी टिप का वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, हम सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, उसी को हम SHM मानते हैं। तो मैं पहले सवाल में चीज़ें बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो आपको क्लियर रहेगा। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो जब उसका एरो हॉरिजॉन्टल रहता है ऐसा, जब कोई एंगल पर टिल्ट नहीं है, उस वक्त पार्टिकल उसके सापेक्ष जो पार्टिकल है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है, वो मीन पोजीशन पे कहलाया जाता है, और जब पार्टिकल 90 डिग्री मूव कर जाता है तो वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल ने अपना मोशन यहाँ से चालू किया है, ठीक है, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से चालू करता है, जैसे पेंडुलम के केस में आप यहाँ से चालू नहीं करा सकते, अब पेंडुलम में अपने आप एनर्जी नहीं आ जाएगी कि वो उठ जाए, ठीक है, तो पेंडुलम में एनर्जी देनी पड़ती है, तो आप क्या करते हो, आप एक तरफ ले जाते हो। तो पेंडुलम के केस में अगर आपको SHM कराना भी है, तो आपको उसे एम्पलीट्यूड ए देकर ही कराना होगा। तो मतलब पेंडुलम के केस में पार्टिकल यहाँ से चालू करता है, फिर आप छोड़ते हो, पार्टिकल ऐसे आता है और चलता है, फिर वापस इस जगह पर पहुँचेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये चल रहा होता है। तो इसमें विजुलाइज करें अगर हम, तो कहना चाह रहे हैं कि पार्टिकल अंडरगोइंग, तो उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी 0.04 है और एक्सेलरेशन 0.02 है मीन पोजीशन से। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा गया, अगर हम पेंडुलम का केस लेकर देखें, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड देखो, ये जैसे जैसे उसका यहाँ से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, यानी कि इधर की तरफ जैसे पहुँचा, यहाँ पहुँचा तो वो नीचे जाएगा ना, यहाँ पर जो स्पीड है वो है 0.04 मीटर पर सेकेंड, और फिर मीन पोजिशन से 0.02 दूरी पर उसका एक्सेलरेशन है 0.06। तो वो यहाँ पे कहीं जब जा रहा होगा, इधर जा रहा हो चाहे उधर जा रहा हो, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन क्या आजू बाजू दोनों जगह सेम रह सकता है,
तो कहीं भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है हम किस तरीके का एस सी एम मान के चल रहे हैं। हमने यही अगर एस सी एम को अगर ऐसा ले लिया होता कि हमें स्टार्टिंग में इसको एनर्जी ना देनी पड़े, ये स्टार्टिंग से शुरू हो जाए, तो फिर कहानी यहाँ से शुरू की जा सकती। ठीक है, हम पेंडुलम ना लेते, कुछ और एग्जांपल ले लेते तो बात होती। चलिए हम सॉल्व कर सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन के बाद। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। व्हाट इज गिवन, वी हैव बीन गिवन मी मैक्स इज इक्वल्स टू 0.04, और वी मैक्स होता है ओमेगा ए इज 0.04। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 0.02 पर, तो ए होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो 0.06 इज ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.02, तो ये 3 बार जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 3। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ओमेगा हो गया √3 हेयर। तो एम्पलीट्यूड आज टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा हो गया, 2π/√3। और जो एम्पलीट्यूड है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, 0.04/√3, बिकॉज ओमेगा इज √3। 0.04 × 1/√3 0.57 होता है, तो 228 एंड 0.228 इज द एम्पलीट्यूड इन मीटर। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।